आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं स्क्रैच की बात करूंगी अभी, ठीक है? मुझे स्क्रैच में से हेलो बोलना है फॉर 10 times, क्या कोड होगा? टीचर वो पहले साउंड वाले उसमें एक्सटेंशन जाके साउंड वाला वो ब्लॉक से हेलो वाला ब्लॉक लेके और उसमें रिपीट 10 में डाल देंगे, तो वो 10 times। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा ही होगा? यस मिस। तो हमारे पास कोड क्या होगा? रिपीट 10 times, क्या रिपीट करना होगा? से हेलो, से हेलो, ऐसा ही है? यस। ठीक है, अब मुझे पाइथन में प्रिंट करवाना है हेलो फॉर 10 times, तो मैं क्या करती हूँ? किसी को पता है? नो। पहले तो मिस हम लोग प्रिंट ले लेंगे। बिल्कुल। पहले जो प्रिंट प्रिंट का ब्लॉक होता है। अच्छा, इस बार हम इसमें स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास वाला लेंगे, हेलो वर्ल्ड वाला, हम वेरिएबल प्रिंट नहीं कर रहे, ठीक है? ओके। मिस फिर उसके बाद एक लूप थी रिपीट 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 की कुछ। वेरी गुड। अता ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, लूप्स होती है, ठीक है? रिपीट लूप, फॉर एवर लूप, जिससे क्या होता है, काम कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे होते हैं एक साइकिल में, एक लूप के अंदर, ठीक है? स्क्रैच में हम रिपीट लूप यूज करते हैं या फॉरएवर? पाइथन में हम जो लूप यूज करेंगे रिपीट की जगह, वो हम यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, ठीक है? और रेंज में हम नंबर ऑफ टाइम्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कितने कितनी देर तक के लिए रिपीट करना है? 10, तो हम रेंज में लिख देंगे 10, ठीक है? आई हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ भी हो सकता है, आप आई की जगह ए भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, एक्स वाई जी भी लिख सकते हो, एक्स वन भी लिख सकते हो, जो आपका दिल चाहे, ठीक है? तो ये वेरिएबल है जिसके अंदर हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, कौन सा, जहां तक की हमें लूप चलानी है, ठीक है? काउंटर वेरिएबल। तो ये वाला वेरिएबल हमारे पास क्या कहलाता है, काउंटर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये काउंट कर रहा है कि लूप कितनी दफा चलेगी, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? यस। अच्छा, ये वाला ब्लॉक आपको लूप्स के अंदर मिलेगा, ठीक है? ईडीयू ब्लॉक्स में ये लूप्स में मिलेगा। और अगर मैं प्रिंट वाले ब्लॉक की बात करूं तो ये आपको कहां मिलेगा, स्टेटमेंट में, ठीक है? क्या ये कोड आप लोग मुझे करके खुद से दिखा सकते हैं? यस। ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई बाई योर सेल्फ। अगर कहीं आप लोग फंसते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई बाई योर सेल्फ, ठीक है? आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, सॉरी, आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक, गिव मी अ मिनट। All right, so everyone, here is the link in the chat. Now share your screens and start working. Okay. ये जो I variable है हमारे पास loop के अंदर, ये वाला, इसमें क्या होता है, जब मैं इसको play करूंगी, run करूंगी code को, तो I की value मेरे पास पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर I की value मेरे पास 2 होगी, फिर 3 होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10,
अब जब ये 10 पे हो गई तो ये लूप को स्टॉप कर देगा, ठीक है? लूप हमारी 10 टाइम्स चलेगी। 10 टाइम्स चलने पे क्या होगा, पहली वैल्यू 1 होगी आई की, पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? Yes. जब 10 टाइम्स चलेगी उसके बाद ये रुक जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो no. तो ये आई वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, आई वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है कि कितनी, काउंट कर रहा है आई वेरिएबल कि कितनी टाइम्स ये रन हो चुका है। अगर 1 टाइम हुआ है तो 1 लिख देगा, 2 टाइम्स हुआ है तो 2 लिख देगा, ठीक है? ये काउंट कर रहा है कितनी टाइम्स रन हो गया है, तो जैसे ही 10 पर पहुंचेगा ये स्टॉप कर देगा, ठीक है? ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं भी यही करना है जी, आपको भी यही करना है। पहले आप मेरी स्क्रीन देखिए, ठीक है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। सबसे पहले तो मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंट हेलो करना है। ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट्स में जाती हूँ और प्रिंट वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, प्रिंट वेरिएबल लू या प्रिंट हेलो वर्ल्ड लू? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इस पे इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने बात की थी लूप की। लूप क्या होती है, जो कंटिन्यूअसली रन हो रही होती है, तो लूप हमें लूप्स में मिलेगी। क्या यहाँ पे आपको फॉर लूप दिख रही है? यस। सेकंड लूप, ठीक है? लूप है। वेरी गुड। अब इसको हम अटैच कर देंगे। आई हमारे पास क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल। क्या है काउंटर वेरिएबल? काउंटर वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जो कि वेरिएबल को काउंट करता, वेरिएबल को कि कितनी टाइम ये ब्लॉक रन हो गया, ठीक है? ताकि वो चेक करते रहे, ऐसा ना हो 11 टाइम्स या 12 टाइम्स प्रिंट हो जाए, इसलिए वो चेक करते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं। काउंटर का मतलब होता है काउंट करते रहना, पूरे वेरिएबल का। कितनी देर तक के लिए रन करना मुझे, कब तक के लिए रन करना है, कितने टाइम्स रन करना है मुझे, वो ये वैल्यू बताएगी, ठीक है? अब रन करके देखते हैं कि ये 10 टाइम्स मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है या नहीं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो नो। अच्छा, मैंने जब हमने पहले काम किया था तो क्या हम वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते थे? No. हम वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं? Yes. ये कर सकते हैं ना? Yes. हमने, याद है हमने लिखा था कार इक्वल्स टू टोयोटा, कल ही किया था ये काम, जाता समझा रहा था। Yes. Yes. तो फिर हमने कहा प्रिंट कार, तो वो वेरिएबल की वैल्यू ला कर देता था, ऐसा ही है? Yes. तो अब हमने क्या करना है, आई वी तो वेरिएबल है ना हमारे पास, काउंटर वेरिएबल है ना? यस। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक और लेती हूँ, मुझे सिर्फ चेक करना है, ठीक है, कैसा हो रहा है या नहीं। एक और फॉर लूप ले रही हूँ, इसमें भी आई ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिख रही हूँ 10 और इस पर मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ वेरिएबल आई, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आई, ठीक है? जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज इट इज मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? अब रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, उसके बाद उसने काउंटिंग प्रिंट कर दी, क्यों? काउंटिंग प्रिंट कर, कौन बताएगा रीजन क्या है इसका? इस वजह से के सबसे पहले 10 नहीं आता, सबसे पहले 1 आता है, फिर 2, फिर ऐसे काउंट।
वेरी गुड, क्योंकि आई हमारे पास काउंटर वेरिएबल था. अब जो भी वैल्यू आई में थी उसने वो प्रिंट कर दी. सबसे पहले जीरो थी फिर वन थी. अच्छा, हमेशा कोडिंग के अंदर हमारे पास वैल्यू जीरो से कोडिंग के अंदर हमारे पास हमेशा वैल्यू किससे होती है? जीरो से. ओके, तो ये अगर मैं काउंट करूं तो ये 10 टाइम्स होगा या नहीं होगा? ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यानी इसने लूप को 10 टाइम्स रन कर दिया, इसलिए इसने 10 को इंक्लूड नहीं किया. अगर ये 10 को इंक्लूड करता तो ये कहां तक चली जाती वैल्यू? 11. 11 तक. Okay. इस वजह से इसने 9 पर आके स्टॉप कर दिया. क्यों? क्योंकि इसने 0 इंक्लूड करा है. इसने हमेशा काउंटिंग शुरू करनी, काउंटर वेरिएबल हमेशा 0 से स्टार्ट करता है. ठीक है? यस. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो. काउंटर वेरिएबल क्या होता है? जो काउंट करता है कि हमारी लूप कितनी दफा चलेगी. ओके, यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं खुद से? ओके. ठीक है, अब मैं सब शेयर करी अपनी स्क्रीन, अब आपकी बारी है. ओके, स्क्रीन हेलो वर्ल्ड की डेटा टाइप क्या है और ये जो नंबर्स है इनकी डेटा टाइप कौन बताएगा? ये क्या? हेलो वर्ल्ड की डेटा टाइप क्या है और ये वाले नंबर्स की डेटा टाइप क्या है? ये नंबर्स की तो इंटीजर है. इंटीजर, इंटीजर्स. और हेलो वर्ल्ड की क्या है? लिस्ट. लिस्ट है या स्ट्रिंग? मुबशर, स्ट्रिंग. यस. डेटा टाइप्स क्या है मुबशर इसकी? हेलो वर्ल्ड की डेटा टाइप क्या है? नंबर्स. हेलो वर्ल्ड की. हेलो वर्ल्ड की इनवर्टेड कॉमास है ना? ये स्ट्रिंग है. यस. और ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इंटीजर. इंटीजर. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस. अच्छा, अगर मैं चाह रही हूँ मेरे पास आए आई प्लस और फिर हेलो वर्ल्ड, तो ये मैं कैसे करूंगी? ये हेलो वर्ल्ड में हम ऐसे ही प्रिंट कलर प्रिंट के वो पहले मैथ जाएंगे, मैथ में जाएंगे, मैथ प्लस वाला ब्लॉक लेंगे और उसमें प्रिंट और हेलो 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 वर्ल्ड प्रिंट ऐसे रख देंगे और प्रिंट आई ऐसे रख देंगे. लेकिन इसकी डाटा टाइप तो आपने मुझे कहा इंटीजर है, इसकी डाटा टाइप तो स्ट्रिंग है, तो क्या ही ऐसा हो सकता है स्ट्रिंग और इंटीजर को मैं कॉन्कैटिनेट कर सकती हूँ? नो, नहीं कर सकती. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टीचर आई को भी इनवर्टेड कॉमास में करना पड़ेगा या फिर हेलो वर्ड को इनवर्टेड कॉमास से हटाना पड़ेगा? नहीं, मैं क्या करूंगी, जो इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगी स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू. आपको याद है हमने कन्वर्जन की थी? यस. यस. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ नहीं लिखूंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट आई करूंगी. मैं मैथ में जाऊंगी, प्लस का ब्लॉक लूंगी. पहले मैं करूंगी आई को प्रिंट करो और उसके बाद मैं कहूंगी कि हेलो वर्ल्ड लिखो. तो क्या इस तरह से ये वर्क करेगा? यस. नो. क्यों नहीं करेगा मुबशर? क्योंकि आई को इनवर्टेड कॉमा आई, क्योंकि आई इंटीजर है और हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, ऐसा ही है? यस. तो हम देखते हैं हमारे पास एरर क्या आ रहा है. ठीक है, क्या एरर आ रहा है? कि इंटीजर को स्ट्रिंग को वो ऐड नहीं कर सकता. इस एरर को फिक्स करने के लिए हम एक और ब्लॉक यूज करते हैं, एस टी आर
जिसके अंदर हम आई की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. इसके थ्रू हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में. ठीक है? यस. यहां तक समझ आया? यस यस. अब कन्वर्जन ब्लॉक मुझे कहां से मिलेगा? स्टेटमेंट्स में. तो मैं स्टेटमेंट्स में जाऊंगी, स्क्रॉल डाउन करूंगी. यहाँ पे आपको दिख रहा है एसटीआर? यस. ये वाला ब्लॉक में यहाँ पर रखूंगी और इसके अंदर मैं लिखूंगी आई. अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? मैं चाह रही हूँ कि पहले आए मेरे पास जीरो हेलो वर्ल्ड, फिर आए वन फिर हेलो वर्ल्ड, फिर टू फिर हेलो वर्ल्ड. इस तरह से कि आई की वैल्यू आए पहले और फिर उसके साथ हेलो वर्ल्ड आए. ठीक है? ऐसा ही हो रहा है? यस यस यस. कंकैटिनेशन करा. कैसे करा? हमने कन्वर्ट कर दिया आई वैल्यू इंटीजर को स्ट्रिंग में. कैसे? स्ट्रिंग फंक्शन से. यहाँ तक क्लियर है? यस. आप लोग कर सकते हैं ये? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे 20 तक करूँ तो मैं 5 की जगह 20 लिख दूंगी. बस नंबर चेंज करना होगा. ठीक है? ओके. अब आपकी बारी. अब आपने मुझे करके दिखाना है. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो नो. हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज करें? कन्वर्टर कन्वर्टर क्यों यूज करें? यहाँ पर कन्वर्टर यूज करने की वजह क्या है? ये हम जो स्ट्रिंग कन्वर्टर यूज कर रहे हैं इसका रीजन क्या है? ताकि आई स्ट्रिंग वैल्यू बन जाए और हेलो से प्लस हो जाए. वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर माय स्क्रीन. अब आप लोग करके दिखाइए मुझे.